अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान।
तस्मै श्री गुरवे नमः।
सुनो राजू, क्या कर रहे हो? पढ़ाई पढ़ाई, क्या पढ़ाई, सारे दिन पढ़ाई पढ़ाई। आओ तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अब मेरी अभी परीक्षा है। अरे चलो भी, रहने दो। ला 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 ला। आओ बैठो, जरा पियो, ठंडा ठंडा लगेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, इसके पीने से सारी पढ़ाई की टेंशन दूर हो जाएगी। लो 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 लो, मस्त मजा आ जाएगा। पियो पियो, जरा सा पियो। आहा हा, मजा आ गया। मेरा भारत, प्यारा भारत, दुनिया का सरताज भारत, आजाद हो गया मेरा आजाद भारत, मेरा सपना साकार हो गया। मैं ये क्या देख रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मेरे भारत की यह दुर्दशा? मेरा भारत है महान, पाश्चात्य संस्कृति का इतना प्रभाव, मेरी संस्कृति की विलुप्तता नहीं देख सकता। नहीं नहीं, उठो जवानों, उठो, छोड़ो यह सब, यह हमारी संस्कृति में नहीं है। छोड़ो सब, उठो भारतवासी, उठो। माता पिता भगवान समान है, छोड़ो इन्हें। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ हिंसा, छोड़ो। मेरा भारत, प्यारा भारत, मेरे भारत की यह दुर्दशा, उठाना होगा युवाओं को, जगाना होगा हमें, पुनः भारतीय संस्कृति की ओर आना होगा, इसी में सबका कल्याण है। उठो वीर जवानों, उठो, जागो। बदल सकते हो किस्मत की लकीरों को तुम, चट्टानों में भी राहें बना सकते हो तुम। हे भारत के युवा, करो शंखनाद विजय का, धरती को भी आसमान में उठा सकते हो तुम, धरती को भी आसमान में उठा सकते हो तुम।
हाथी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम का पे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। पर था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तार गए। तो साई लीला शाह जी गुरुकुल में मुझे इतनी आध्यात्मिक एवं भारतीय संस्कृति के कहीं बतौर प्रतियोगिताएं हुई यहाँ पे, तो उससे मैंने ये अनुभव किया कि पाश्चात्य संस्कृति ने हम सभी लोगों को इतना प्रभावशाली बना दिया है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आपको यहाँ इतनी स्वच्छ और शुद्ध वायु मिलेगी जिससे आपके मन में एक आत्मबल आएगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। और मुझे तो सबसे बड़ी चीज जो शांति, जो लोग पूरी दुनिया में घूम जाते हैं लेकिन उनको शांति नहीं मिलती, इस गुरुकुल में आने से आपको एक बड़ी लंबी और आनंददायक जो आपके हृदय को मन मोह लेगी ऐसी आत्म शांति। यहाँ पर बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, जैसे सुबह आते ही गुरुजन पूछते हैं कि आपने अपने माता पिता को प्रणाम किया, चरण स्पर्श करके आए और यहाँ आकर उनको सूर्य को अर्घ्य देना, ये सारी जो है बच्चों को सिखाया जाता है। यहाँ का वातावरण अत्यंत आध्यात्मिक और एक विश्रांतिदायक वातावरण है। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए मैंने यहाँ पर योग प्रशिक्षण जो प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाता है, सूर्य नमस्कार और खेल मैदान जैसी उत्तम सुविधाएं देखी। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों के विकास के लिए हमने देखा कि आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उन्हें त्राटक, ध्यान योग और इनका आश्रय दिया जाता है। पर्व और त्योहारों के दिन उन्हें विशेष प्रकार के जप मंत्रों के द्वारा उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ाया जाता है, क्योंकि आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति भौतिक शिक्षा में उन्नति कर ले वही जीवन में आगे जाकर सफल बनेगा। जो भौतिक शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा में भी उन्नत होता है वही व्यक्ति सच्चा देश सेवक बन सकता है। इसलिए आपसे यही अनुरोध करूंगा कि अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को इस गुरुकुल में भेजिए और यहाँ के महिमामय प्रभाव को आप प्रत्यक्ष अनुभूति उसकी आप कीजिए। यहाँ पे आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कृति की ओर बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। इस गुरुकुल में प्रवेश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा गुरुकुल स्वर्ग जैसा है। जब हम इस गुरुकुल में आते हैं तो 5 सदस्य तुलसी के खाने को सिखाते हैं। हम इस गुरुकुल में पढ़ाई करके अपना भविष्य उज्ज्वल बनाएंगे। आप भी अपने बच्चों को इस गुरुकुल में प्रवेश कराएं।